हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतने सुंदर प्लांट्स हो रहे हैं और ये तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। आप देख सकते इतना बड़ा हो गया। मैंने छोटे से प्लांट गमले में लगाया था, उसके बाद रिपोर्ट किया बड़े गमले में, तो ये बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे ही प्लांट्स हम लोग सभी गमले में लगाते हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के। तो आप देख सकते हैं ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत बढ़िया ये प्लांट्स हो रहा है। एक्चुअली ये प्लास्टिक का है, तो ऐसे ही हम लोग मिट्टी के, कांच के, सभी में गमले में प्लांट्स लगाते हैं। तो ज़्यादातर पे हम लोग प्लास्टिक के लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगे भी नहीं रहते। सभी में हम मैंने जो सीमेंट के सभी टाइप्स में लगाए हैं, खुद बनाया है, तो कपड़े के भी जो घर में बनाए होममेड वो भी अच्छे से काम कर रही है। सभी में अच्छे से ग्रोथ हो रही है। आप कोई भी गमला देखिए, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, तो आज वैसे ही हम लोग सिरामिक के गमले में प्लांट्स लगा सकते हैं। सिरामिक का गमला दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इंडोर आउटडोर हम दोनों ही जगह में लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही आज मैं सिरामिक पॉट में कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो आज उसके वो प्लांट्स दिखाते हैं उसमें कैसी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो नए चैनल पे आए हैं व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने सिरेमिक में लगाए हैं। इंडोर आउटडोर मैं दोनों जगह में रखती हूँ, लेकिन ये भी प्लांट्स बहुत अच्छे से रहता है। काफ़ी समय से मेरा ये डाइनिंग में था और ये मैंने 350 में एग्जीबिशन से ख़रीदा था और काफ़ी साल हो गए, 2 साल से करीब ये प्लांट्स मुझे गमला मैंने लेकर आई थी सिरेमिक का। तो ये जैसा का वैसा ही है, ये बहुत टिकाऊ भी रहता है, हम लोग वॉश कर सकते हैं बाहर से। तो ये प्लांट्स इसमें अच्छे से हो रहा है, स्नेक प्लांट। तो मैंने कुछ दिन के बाद इसको, बारिश आ रही थी तो थोड़ा सा सेमी सेड एरिया में रखा था। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सब मेरे बारिश के हैं, क्योंकि इसके नीचे होल भी है तो मुझे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बारिश में भी रहने से। इसके जैसे के वैसे ही रहते, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी रहता है उतना सब निकल जाता है। तो ये भी मेरा बारिश में था, लेकिन इस पर होल नहीं है। ये अपना ये देख सकते हैं, कॉफ़ी का मग है और इसकी हैंडल टूट गया था, तो मैंने इसमें सिंगोनियम का प्लांट लगाया था, लेकिन बहुत अच्छे से ये प्लांट हो रहा है, लेकिन इसमें होल नहीं दी और नहीं है। फिर भी हम ये प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना गरज है उतना पानी मैं देती रहती हूँ या स्प्रे करती हूँ, लेकिन कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे बारिश भी होता है तो एक्स्ट्रा पानी रहने से साइड से मैं निकाल देती हूँ। तो इसमें से ये प्लांट बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये सब मेरे चाय के कप के हैं ये, तो ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो सिरेमिक से प्लांट्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जितना गरज है उतना ही पानी की इस पर गरज लगती है। और ज़्यादा पानी इसमें नहीं आता, क्योंकि जैसे प्लास्टिक में पॉट गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉट रहता है इसमें ठंडा हुआ रहता है। जो इससे गमला बनाती है वो एक मिट्टी रहती है, चिड़ी माती भी बोलती है उसको, तो उसमें इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक बार हम जैसे पानी भी देती हूँ मैं स्नेक प्लांट को, तो महीना भर मुझे पानी देने की भी गरज नहीं पड़ती है। तो इसे प्लांट्स ये पॉट्स रहते हैं, डिज़ाइनर है और कहीं भी हम लोग रख सकते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। इंडोर आउटडोर हम रख सकते हैं, और जैसे डाइनिंग में रखना है शोपीस बोल के, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन टिकाऊ भी बहुत रहता है। तो हमें इसमें जैसे अच्छे से ग्रोथ होना है, तो हमें हमेशा कटाई छटाई भी करना चाहिए प्लांट्स की। ये देख सकते हैं, ये मेरे सब कप के सब इसकी कड़ी टूट गई थी, तो मैंने ये लगा दिए थे, ये बहुत बढ़िया प्लांट्स हो रहे हैं। तो हमें इसको अच्छे न्यूट्रिशन के लिए क्या देना चाहिए, तो ये है कैल्शियम, ये है चौक। मैंने काफ़ी मैंने चौक के ऐसे बड़े बड़े बॉक्स लेके आई हूँ, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। तो हम इसे बीच बीच में, मैं तो सभी फर्टिलाइज़र देती हूँ, ओनियन का, बनाना, ये सभी प्लांट्स को मैं एक साथ देती हूँ, चाय का पानी, चावल का जो लिक्विड निकलता है धोए, सभी एक साथ मैं देती रहती हूँ। तो मेरे सारे प्लांट्स जैसे एक साथ जैसे अच्छे से ग्रोथ हो रहे। फिर भी हमें इंडोर प्लांट्स रहते हैं तो कैल्शियम की गरज रहती है प्लांट्स को, तो बस हमें मिक्सर में से, मैं तो कूट के ऐसे एक चम्मच ऐसे डाल देती हूँ कभी कभी, और काफ़ी अच्छा रहता है बोन्स के लिए, प्लांट बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और एक देख सकते हैं
तो मैं सभी प्लांट्स को बीच बीच में ऐसी देती रहती हूँ, अलग अलग बदल बदल के, इंडोर हो आउटडोर हो। लेकिन इंडोर के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इससे मच्छर भी नहीं होते हैं, और चौक इतना सस्ता है। कभी मैं चूने का पानी भी दे देती हूँ, और इसमें मैं एक्चुअली आजकल लिक्विड का ही मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो लिक्विड भी दे देती हूँ। बहुत आसान रहता है, गुड़ाई की इतनी भी गरज नहीं पड़ती है क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, तो ज़्यादा मैं गुड़ाई भी नहीं करती हूँ। जब बड़े गमले में रहती हूँ उसी की गुड़ाई करती हूँ। तो ये प्लांट्स वैसे भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इसमें हमें ऐसे कैल्शियम के लिए ऐसे चूना का पानी, चूना का लिक्विड या ऐसे चॉक मिलते हैं मार्केट में, बहुत ही सस्ते रहते हैं ये, तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। या जैसे ऐसे छोटे छोटे हमें पीस करना है, तो ऐसे जब आपने को पाउडर नहीं डालना है तो मिट्टी में ऐसे पीसेस करके, तो ऐसे दबा भी देते हैं ना, तो धीरे धीरे ये मेल्ट होते जाता है। और इसको जो ऐसे हमें पानी डालते हैं तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा मेल्ट हो, क्योंकि उसको टाइम लगता है घुलने के लिए। तो हम कैल्शियम के लिए ये भी ऐसे दे सकते हैं। एक मेरे यहाँ मनी प्लांट है, मैंने वो अलग टाइप का जैसे इसमें मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मनी प्लांट मैंने एक प्लास्टिक के इसमें लगा था। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये मनी प्लांट मैंने एक प्लास्टिक के इसमें लगाया, लेकिन ये मैंने सिरामिक के इसमें नहीं लगाया। सिरामिक का सिर्फ बाहर से मैंने उसमें गमला रख दिया है, आप देख सकते हैं। आप ऐसा भी रख सकते हैं ये डेकोरेशन के लिए, ये प्लास्टिक का गमला है, गमले के अंदर मैंने सिरामिक के अंदर वो पॉट रखा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हो गया, और मनी प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही, तो आपको ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत ही सुंदर कलर है। हम इसको वॉश भी कर सकते हैं और साफ एकदम स्वच्छ हो जाता है, क्लियर दिखता है। तो ऐसे भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है सभी प्लांट्स के। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने टोमेटो के प्लांट्स कितने सुंदर निकले हैं, और ये देख सकते हैं इसमें भी मैंने ऐसे टोमेटो के बीज डाल दे, सभी टाइप में अच्छे से ग्रोथ होती है। हमारी मिट्टी जर अच्छी होगी ना, तो किसी में भी आप प्लांट्स लगाएंगे, प्लास्टिक हो कांच हो। ये देखिए बैंगन के इसी मैंने बीज डाल दिए थे, नारियल के इसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट्स निकल रहे हैं। तो बस हमारी मिट्टी बेस अच्छी होनी चाहिए, आप कोई भी मिट्टी का हो, प्लास्टिक हो, कांच का हो, नारियल का हो, कोई भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी टाइप के मैंने बताए हैं, प्लास्टिक के मिट्टी के भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। तो आपको पसंद आया कि नहीं, दिखने में कितना सुंदर दिखता है। तो ये थोड़े से भारी हो जाते हैं, लेकिन हमें ठीक से उठाना है क्योंकि मिट्टी की वजह से थोड़ा वेट बढ़ जाता है, तो हमें हल्की मिट्टी बनाना है इधर उधर रखने के लिए। और ये छोटे छोटे मग में भी लगाया है। तो आपको वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही छोटे छोटे कप में मग में हम फेंकने का अच्छा है। हमारे घर में तो ऐसे टूटे फूटे बहुत सारे रहते हैं, ऐसे में हम प्लांट्स लगा सकते हैं। और जब हमारे इसमें इधर होल नहीं रहे तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जितना गरज है उतना ही पानी डालना है। तो वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए।